कहते हैं सफ़र का मज़ा ना अपनों के साथ आता है, जो अपने हाथ पकड़ के साथ कटवा देते हैं ना वो शायद हम अकेले नहीं काट सकते, पर कुछ लोग होते हैं जिनको सफ़र का मज़ा अकेले आता है, जो बाइक उठाते हैं और लंबी सी राइड पर निकल जाते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते, सीधा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच कर ये फील करते हैं हाँ हमने कुछ अचीव करा है। आप किन में से हो? हाय एवरीवन, दिस इज साक्षी धंजल, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं हूँ आज थर्ड डे ऑफ ट्रैक जो मैं उतर रही। हेलो, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से। आप दिल्ली से? हम भी दिल्ली से हैं यार। आपने ट्रैक चढ़े थे? पूरा पूरा ट्रैक चढ़ के आए थे, बस ऊपर जब गुरुद्वारे गए तब हमने भी खच्चर करे थे, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो गाइस हम जा रहे हैं आज नीचे की तरफ, ठीक है। मैं हूँ अभी हेलीपैड के सेंटर की तरफ, अगर आप हेमकुंड मतलब जहाँ पे हेलीपैड लैंड होता है, सो भागरिया के पास। ओ माय गॉड, इतने सारे खर्चे, कभी इधर होना पड़ता है कभी उधर होना पड़ता है। क्या आपने यहाँ वैली फ्लावर्स देखा है? नहीं देखा मैंने, नहीं देखा यार, मुझे भी देखने का बहुत मन है, बट वो हिम्मत नहीं होती उस ट्रैक को पकड़ने की। बट एक दिन मैं भी उस ट्रैक को ही पकड़ूंगी, होपफुली एक दिन मैं हेलीकॉप्टर से आऊँगी। फिलहाल चलते हैं नीचे। सो गाइस, हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी, मतलब उतराई स्टार्ट करी थी 8:30 बजे के आसपास। 8:09 तो हम सीढ़ियाँ उतर रहे थे। 8 बजे करी थी मैंने, ठीक है 8 बजे मान लेती हूँ मैं, 2 घंटे हो गए हमें, पर मैं बहुत धीरे उतरती हूँ क्योंकि मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है गाइस। मैंने पूरा पूरा वो लगा रखा है, यहाँ पे मीठा ज़्यादा है, वो लगाते हैं ना आपकी बैंडेज, मतलब गर्म पट्टी काइंड ऑफ, वो बांधती हूँ मैं जब मैं नीचे उतरती हूँ। सो अभी 10:10 हो रहे हैं एंड हम रुके, मैं रुके कुछ खाने के लिए मम्मा के साथ, और पीछे लव वगैरह का पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, वो भी कुछ खा रहे हैं। सो आई एम रियली लाइक, ये कॉफ़ी है बट इसके अंदर मैंने बहुत सारा वो डलवाया हुआ है हल्दी। सो वैसे ये जगह फेमस है परौठे चौक के लिए। तो आप जब ये नदी पार कर रहे हो हेमकुंड साहिब में आकर, तो यहाँ के परौठे ट्राई कर सकते हो जो कि बनते हैं तंदूर में। सो यू विल लव इट, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ परौठों के लिए ही रुकते हैं। लेट्स जस्ट टेक अ वॉक, इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं क्योंकि अभी सिर्फ हमारे 3-3.5 किलोमीटर नीचे उतरे हैं, तो अभी हमें बहुत उतरना है। टांग ने साथ दिया तो दिया या ना दिया तब भी मेरे को उतरना ही है गाइस। पता है मैं परसों जब ये ट्रैक कर रही थी ना फर्स्ट डे, सो इसका पानी का फ्लो इतना तेज नहीं था, अभी फ्लो इतना तेज है ना इस पानी का, बाय गॉड इसका मतलब मौसम चेंज हो रहा है। बस स्माइल कर लो यार। फाइनली मैं कुछ 5.5 किलोमीटर उतर चुकी हूँ, मुझे नहीं पता मेरे पीछे वाले कहाँ हैं, आई मीन मेरे आगे थे वो लोग बहुत देर पहले, मतलब वो मेरे पता नहीं कितनी दूर पीछे। मेरी मम्मी मेरे बहुत पीछे रह चुकी है, लव उसकी सिस्टर आंचल, मैं बहुत धीरे चल रही हूँ फिर भी। फिलहाल नज़ारे बहुत सुंदर है यार यहाँ के, मेरी मम आ रही है, आई कैन सी माई मदर कमिंग, मम्मा। सो गोविंद घाट बच गया कुछ 5 किलोमीटर। वाह, 5 किलोमीटर मतलब आई एम नॉट श्योर कितना, क्योंकि 4 किलोमीटर तक तो टैक्सी आती है। सो गोविंद घाट तो नीचे मेन वाली जगह था, मेन गुरुद्वारा है, अब मैं इनको क्या समझूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पीछे लोगों का कुछ होता पता नहीं, मम्मी मिली थी बस उनको, मैं बैठाया ही, वो सेब खाना चाहती थी। हाँ बस आप ट्रैवल करते हो ना, आप बहुत लोगों से मिलते हो, जैसे कि सामने वाली लड़की 9th क्लास में, एंड आप बहुत सारे लोगों से बात करने का आपको मौका मिलता है। गाइस ब्रेक ले रहे हो? ओके। और गाइस ये लोग कोलकाता से हैं स्पेशली, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय यू पीपल। गाइस हम लोग नीचे उतर चुके हैं, मम्मी सबसे पहले उतरी, मैं सेकंड नंबर पे उतरी, वो तीनों अभी रास्ते में कहीं हैं, मुझे लगा मेरे फ़ोन पे स्क्रैच आ गया। और ये पैदल गई है बच्ची, पता है छोटी सी, मैं यूट्यूबिंग करती हूँ, चलो मती कैमरे से। अच्छा ये तो बता दो कि कल दर्शन कर रहे थे आपने? कल या आज? कल करे होंगे ना इन्होंने तो? हाँ आज उतर गए। चलो सो गाइस बेसिकली हम गोविंद घाट वापस आ चुके हैं, अभी मेरा लव और आंचल और उनका वेट कर रही हूँ कि वो आते ही होंगे क्योंकि वो थोड़ा पीछे रह गए थे। अब हम करेंगे लंगर और भरेंगे पानी की बॉटल जो खाली हो चुकी है। तो जो ट्रैक स्टार्ट होता था पहले, जब मैं 4 साल पहले आई थी तो एग्जैक्टली यहीं से होता था गोविंद घाट की तरफ से, बट अब जो ट्रैक स्टार्ट होता है वो 4 किलोमीटर दूर से स्टार्ट होता है।
होगा आप तो गोविंद घाट से बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हो तो बिल्कुल खड़ी चौड़ाई बिल्कुल इंक्लाइन। और आज तो इतनी गाड़ियाँ ना इस वक्त, तुम भी कुछ बोलो जब जब बैठे हो तो इतनी देर से। हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? बाय द वे हेमकुंड साहिब का ला अभी ना कह रहा मेरा कुछ बोलने का मन नहीं है, मुझे थोड़ी देर रेस्ट चाहिए। इतना मायने नहीं रखता, नहीं दशहरा इतना यहाँ मायने नहीं रखता। हम स्टे कर रहे हैं यूथ हॉस्टल के साथ जो कि हमें मतलब बद्रीनाथ में पड़ा है। इट्स एक्चुअली अमेजिंग एंड दे पीपल लव्ड इट। और बिल्कुल घर का खाना है हमारे पास एंड इट वाज नॉट मतलब इट इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली प्लेस। आई गेस इन लोगों को बहुत पसंद आया। अब तो आंचल कुछ बोलेंगे, आंचल वैसे भी बहुत कम बोलती है। आई गेस मैं कुछ नहीं बोल रही, मेरी तबीयत खराब है। इतना बोल दिया करे यही बहुत नहीं सच में इतनी अच्छी जगह है ना, खुला खुली जगह है, वाइब्स इतनी अच्छी। एंड यू नो दिस प्लेस इज अबाउट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा। सो गाइस यू कैन आल्सो कम स्टे हियर फॉर श्योर। या बिकॉज़ द डॉर्मेटरी एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज रूम्स और डॉर्मेटरी काफी साफ है व्हिच इज वेरी रेयर टू फाइंड। एंड यू नो डॉर्मेटरी इज लाइक 200 पर बेड। और स्पिरिचुअल प्लेसेस में सच में नहीं होना चाहता लेकिन स्पेशल प्लेसेस में जहाँ भी जो ना डॉर्मेटरीज या फिर अच्छी इतनी साफ वगैरह होटल रूम इतने साफ नहीं होता अंटिल इट्स टेकिंग एक्सपेंसिव मनी। तो आई फील लाइक इट्स वेरी गुड। सो राहुल इज होस्टिंग अस गाइस, नाइस टू मीट यू मैन। पर मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ तुमसे राहुल की तुमने एचआर कर रखी है टूरिज्म इंडस्ट्री में। देयर इज अ ह्यूज पार्किंग प्लेस और पता है हम लोग अभी डाइनिंग एरिया में थे एंड सामने रूम्स है। रूम इज सस्पेश मतलब अच्छे हैं, रूम्स बहुत सही हैं और इनके पास डोमेट्रीज भी हैं। और रात का व्यू तो मैं आपको क्या ही बोलूँ कितना सुंदर है, बट मेरा कैमरा सिर्फ आईफोन 12 मैक्स प्रो कुछ इतना कैप्चर नहीं कर पाएगा। और मैं डोम्स दिखाती हूँ आपको, पहले मैं रूम दिखाती हूँ आपको बिखरा वाला। 3 2 1 मतलब तुम्हारा रूम बिखरा हुआ है सारा। सो गाइस मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दीज आर द फोटोग्राफीज बद्रीनाथ से और आईफोन से। सी या, बाय बाय।